हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगिनी चौहान। मुझे लगता है कि मैं इंट्रोडक्शन स्पीच रिकॉर्ड करके रख लूँ क्या? मतलब यार, हमेशा वही सेम चीज़। कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए ना। बट क्या बोलूँ मैं डिफरेंट? या तो डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोलूँ, नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और पता नहीं, मतलब मुझे कभी कभी लगता है मुझे रिकॉर्ड करके रख लेनी चाहिए। बट एनीवे, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, मैं आपको बताती हूँ कि गुड़गांव में ऐसा लग रहा है कि शूटिंग चल रही है कुछ। और इंद्रदेव क्या करते हैं, उनको बस बता दिया जाता है। वैसे बारिश वाले देवता शायद इंद्रदेव ही होते हैं ना, कि आप बारिश कर दो और वो तुरंत ऐसे फव्वारा से चलता है बहुत तेज़, 15 मिनट के लिए, फिर बंद। मतलब ना धूप निकली है, आज है वेंसडे, संडे से बिल्कुल धूप नहीं निकली है। कल निकली थी बहुत हल्की फुल्की, नाम मात्र के बराबर, ठीक है। और बारिश ही हो जाती है, बादल गरजते रहते पूरे टाइम, सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, दोपहर को। अब बारिश तो इस लाइक शूटिंग हो गई, बारिश वाला सीन आ गया, बारिश कर दो 15 मिनट के लिए, और फिर बिल्कुल एकदम बंद। पता नहीं क्या, पानी नहीं निकला सामने से गली में, पता नहीं। और यू नो कि गुड़गांव में कैसा है, आप चाहे कितनी भी अच्छी जिस सोसाइटी में रह रहे हो, अगर बारिश है यहाँ का, मतलब जो पानी वानी निकलने वाला सिस्टम है ना, वो बड़ा ही ख़राब है। बहुत हर जगह पानी भरा होता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पानी ना भरा हो। अगर यहाँ पर 4-5 घंटे बारिश पड़ गई तो गुड़गांव का हो गया काम, डूब गया। या तो अभी आज आज क्या तारीख है, आज है 6th of January, हाँ, और दोपहर के बज रहे हैं 3। और पता है अभी जो मेरी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे अभी थोड़ा सा मेरा हनीमून पीरियड चल रहा है, क्योंकि इंडक्शन एंड ऑल ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो आज तो वैसे पता है मैं सोच रही हूँ कि अपना रूटीन सुधार लूँ। एक्सरसाइज तो मैं कर ही नहीं हूँ, एक्सरसाइज तो मेरी बस 2 महीने छूटी थी, अगस्त और सेप्टेम्बर में, है ना। बट मैं घर पर ही करती हूँ। और आज मैंने थोड़ी सी ऐसे हार्ड की यूट्यूब से देख के, तो उसमें क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग ना आप कभी भी कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा आपको उसी के साथ चलना होता है। तो आई एंजॉयड दैट। और उसके बाद यस, आप लोगों को भी वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट जो मेरे घर वाले हैं और जो रिलेटिव्स हैं बोलते हैं, अबे तुम तो इतनी पतली हो, वर्कआउट करके क्या करोगी तुम्हें, गायब हो ना। वर्कआउट कभी पतले होने के लिए नहीं होता, मतलब सबका मोटो अलग होता है। मेरा ये कि आप माइंड और बॉडी सब फिट रहो। सुन लो आप लोग, आपके लिए स्पेशली, ठीक है। मैं बहुत खाती हूँ, मैं सच में बहुत खाती हूँ। तो देखो क्या है कि जो मेरी साइड है ना, जो इस साइड है, वो तो इस साइड कुछ है नहीं पानी, लेकिन जो सामने वाली साइड है, और वहाँ पे क्या है, लेफ्ट में जो ग्रीन कलर का ट्रक है ना, उसके लेफ्ट में शॉप है जहाँ से हम ना वो लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मतलब राशन वाशन का सामान मिल जाता है, वहाँ पे पानी लगा हुआ है, तो उसके लिए इधर से निकलना पड़ता है। और आप देखो पानी है सामने, निकल नहीं पा रहा, जब तक निकल रहा है तुरंत बारिश हो जाती है। वैसे दिस इज़ माई सोसाइटी वेयर आई लिव इन। यस, ये सामने ना स्पेस बेस्टेक पार्क भी, उस पर यार फॉग तो है, लेकिन पता है ठंड कम हो गई है। ऐसे अंदर बैठे हैं तो बारिश की मतलब, सॉरी, बारिश कह रही हूँ, ठंड स्वेटर का फील नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग नहीं ना स्वेटर पहनो, बट फॉग है, यू गाइस कैन सी। या पता है यार, बाहर बारिश है लेकिन ऐसा स्वेटर वाला फील नहीं आ रहा कि आई हाय मैं स्वेटर पहनूँ स्वेटर पहनूँ, इस टाइप से कुछ भी नहीं आ रहा। श्रद्धा कह रही, मुझे मत लेना, मुझे मत लेना। मैंने कहा हाँ ठीक है। या तो मैं अपना खाना ले आई, और खाने में क्या बनाया, खाने में है मटर की कचौड़ी, पत्ता गोभी की सब्जी और टमाटर की चटनी। और मटर की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी है, कल हमने इसके शाम को परांठे खाए थे, आज हमारा मन करा कि हम इसकी कचौड़ी खा लें, तो हम इसकी कचौड़ी खा रहे हैं, ठीक है। और देखो बिल्कुल ना ठंड नहीं है ऐसे यहाँ पे, मैं बारिश हो रही है 4 दिन से, लेकिन नॉर्मल बैठी हूँ। एक तो मुझे ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती, बट है भी नहीं। रात को हम फैन भी चला के सोते हैं, और इसी बात पे मुझे पड़ेंगी घर से गालियाँ, क्योंकि मैंने वीडियो में बोल दी, हाँ मतलब सोते हैं, हमें इतनी लगती ही नहीं है ठंड, और है ही नहीं ठंड नॉर्मल। ब्लू एयर में भी मैं चला रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद मेरे को खुद से गर्मी सी लग रही है, वो तो मैं शौक में चलाती हूँ ऐसी, ठीक है। और हाँ पता है क्या, जो मेरे ऑफिस वाले ना, तो मेरी करंट लोकेशन जो है ऑफिस की, वो चेन्नई है। तो जो चेन्नई में जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो पता है उस दिन उसमें से कोई एक बोल रहा था चेन्नई में बहुत कोल्ड था, एंड आई वाज लाइक, मैं ऐसे बोलने वाली थी, मतलब मैंने ऐसे बोला नहीं, बिकॉज आई एम न्यू, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। मैंने कहा यार सीरियसली, मैं ऐसे बोलने वाली थी, मारो मुझे मारो, मतलब चेन्नई में ठंड, तो फिर यहाँ क्या है ये। एनीवे, तो अभी मैं खाना खा लूँ, और खाना खा के आज खाना खा के अभी थोड़ा सा मैं अपना वीडियो एडिट का काम करूँगी। और मैं और श्रद्धा सोच रहे ना कि हम लोग, मतलब एक एक वीक का ब्रेक हो गया,
हम कहीं बाहर खाने नहीं गए, थोड़ा सा हम पूरा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हैं खाने पीने का और एक्सरसाइज का ना, तो शायद आज शाम को हम कहीं खाने पीने जाएं। अभी वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमने दो तीन प्लेसेस देखे हुए हैं, तो जब जब से वापस आ जाएगी ना श्रद्धा, फिर हम लोग खाने जाएंगे। हमारा ठंड का साथी, मैं और पेट का प्रमोशन कर देती हूँ। और पेट का ब्लो एयर मस्त एकदम गर्म हवा देता है, सबसे पहले से ऑफ होगा, उसके बाद ठंडी देगा, फिर हल्की गर्म देगा हवा, और फिर बहुत गर्म देगा। बहुत गर्म लेने का हमारा मन नहीं करता क्योंकि बहुत इतनी ठंड नहीं है यहाँ, तो हम हल्की गर्म हवा लेते हैं। ये मैंने अपनी मम्मी के लिए भी भेजा है घर पर। अभी पता है क्या हुआ, श्रद्धा का काम कर रही है। अभी क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया कि हम शाम को चौधरी जाएंगे जो सेक्टर 46 में है, ठीक है। तो श्रद्धा बोलती है अभी मैंने दोपहर सुबह की चाय, मैंने इसको जूस दिया तो इसने बोला कि यार मुझे बहुत थोड़ा सा देना क्योंकि मैं शाम अभी चाय पीऊँ। मैंने कहा अभी तो पिया था, कह रही 12 बजे पिया था। मैंने कहा मत पीना अब तुम्हें, चौधरी में पीना चाय। कह रही नहीं नहीं मुझे चाहिए। यार पता है क्या, चौधरी हम जाएंगे जब श्रद्धा जिम से वापस आएगी, तो हम चौधरी जाएंगे 9:15 के करीब, है ना। अब मैंने आज सुबह की चाय मेरी लेट हो गई, वो मैंने भी 12 बजे, तो मुझे शाम को 5:30-6 बजे चाहिए। तो कह रही कैसा सो जाता है, मैंने कहा बहुत अंदर अजीब सा सो जाता है। ओहो, मतलब जैसे कोई ऐसे स्मोक नहीं कर रहा होता तो उसको ऐसा हो जाता है मुझे तो नहीं, मुझे चाहिए वैसे हो जाता, मतलब भाई मुझे चाय तो चाहिए। मतलब आज इतनी सुबह की लेट हो गई, अदरवाइज मैं 10:15 तक पी लेती हूँ और मेरी इवनिंग के। मम्मी भी चाय पीती है बहुत, लेकिन इतना ऐसा नहीं हो जाता जैसे तुम्हारा ही नहीं एकदम चाहिए। मुझे तो नशा सा है यार, अगर मुझे नहीं मिला तो हो सकता है इंजेक्शन भी लगाने पड़े, जैसे अर्जुन बोलता है। मुझे अर्जुन बोलता कहता है इंजेक्शन लगा लो। श्रद्धा का देखो, श्रद्धा बहुत हेल्दी खाती है, यू सी। देखो ड्राई फ्रूट्स एंड संतरे, ये है इसकी फिटनेस का हेल्दी राज। एंड हेल्दी दोनों फिट, ऐसा कोई फिट नहीं है। नहीं यार ये फिट है, नहीं मतलब यार फिट हमेशा ये नहीं होता श्रद्धा कि कोई एकदम एप्स हो वो फिट। एक ये भी होता है कि आप बॉडी से फिट हो, माइंड से फिट हो, वो भी बहुत जरूरी होता है। कोई एकदम पतला है सूखा सा वो फिट है नहीं, एक थप्पड़ मारो चार कोने घूम जाए वो फिट तो नहीं हुआ। फिट हुआ क्या वो? जैसे मेरे पापा बोलते हैं ऐसे हो रही, एक थप्पड़ मारो चार कोने घूम जाए, बट ऐसा नहीं है। एक थप्पड़ कोई मुझे मारेगा मैं चार कोने नहीं घूम सकती। मैं भी नहीं, मैं हाँ सामने वाले थप्पड़ घुमा दूंगा। मैं भी घुमा सकती हूँ। हे आई जस्ट टुक अ लिटिल नैप, यू कैन सी फ्रॉम माई फेस राइट? या मैंने थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग की एंड देन फिर मैं सो गई, बिकॉज़ यू नो मुझे लगा कि आज मेरा लास्ट डे है सोने का, बिकॉज़ कल से मेरी अगले 2 हफ्ते तक ट्रेनिंग है, तो यू नो बैक टू बैक सेशंस होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम शायद चौधरी पर जाएंगे, एंड चौधरी एक सेक्टर 46 में शॉप है, और हम 46 मार्केट बहुत बार गए बट उस शॉप पे कभी नहीं गए। और किसी ने हमसे बहुत प्रमोशन किया है शॉप का कि वहाँ पे बिना ऑयल की चीज़ें मिलती हैं, लाइक मोमोज और एक दो चीज़ें और हैं, तो वील ट्राई दैट। चाय पीने के लिए ये वाला मसाला ज़रूर लें, चाय पीने चलें। आजकल जो एक ना वो बन रहा है, मीम्स, मीम्स ही बोलते हैं ना, मीम बोलते हैं, हाँ मीम ही बोलते हैं गैस। तो आजकल ना एक कुछ मीम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि US में ये बोला, इंडिया में ये बोला, फिर US में बोला कि गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इंडिया में बोला जहाँ जब शादी हो जाए तभी चली जाना, उसके बाद जहाँ चाहे वहाँ घूमना। मुझे नहीं पता क्यों बन रहे इतने, मतलब रैंडम है, बिकॉज फेसबुक इंस्टाग्राम में जहाँ पर भी खोल रही हूँ वहाँ पर मुझे यही वाले मीम्स मिल रहे हैं। तो आई आस्क टू श्रद्धा ऑल्सो कि कोई रीज़न है, मतलब कुछ ऐसा निकला है क्या, जैसे विनोद फेमस हो गया था बेमतलब के, तो फिर विनोद विनोद पर मीम बनने लगे थे, तो वैसा कुछ है क्या? और पता है क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया तो इंस्टा पे, तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हें पता है ये क्यों बन रहे हैं मोस्टली, तो कहता है हा हा लोल। उसको लगा मुझे समझ नहीं आया, जबकि मैं उससे पूछ रही थी कि तुम्हें पता है ये वाले मीम क्यों बन रहे हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह, सारी अकल तुम्हें ही दी भगवान ने।
कुछ नहीं कर सकते मीम्स का तो ना, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं भी मीम्स बना सकती हूँ और मैं बना सकती हूँ, बट फिर मुझे लगता है, लेकिन पता है क्या, जब मैं कभी बैठती हूँ ना खाली तो, ओ या फिर ऐसे कुछ खुराफाती दिमाग, तो बड़े अच्छे अच्छे मीम्स बनते हैं, अच्छा ही ऐसे खुद को भी हंसी आती है सामने वाले जो साथ में बैठता हूँ, लेकिन फिर जब करने की बारी आती है ना तो फिर लगता है नहीं, फिर ये भी काम मैं कर लूँगी तो फिर लोगों के लिए क्या बचेगा, सब मैं ही कर लूँ। एनी वे अभी चलो हम लोग चौधरी के, अभी टाइम क्या हो रहा है, 8 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बट हम वो आते हैं क्योंकि भाई यहाँ बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, शूटिंग हो जाए और फिर से बारिश होने लगे, भाई इंद्रदेव का कोई भरोसा नहीं है, 15 मिनट का फव्वारा चलाएंगे और बारिश कर देंगे। तो हम लोग चौधरी पर हैं और हम लोगों ने ऑर्डर किया है, क्या क्या ऑर्डर किया है, अच्छा स्प्रिंग रोल, अचारी चाप और रुमाली रोटी, और सामने से अभी मैं चाय लेने जा रही हूँ और भीड़ बहुत ज़्यादा है। चौधरी के यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया लेकिन चाय हम लोग लेने आए हैं यहाँ से पास में से, चाय हमें यहाँ मिलती है। आपकी ये शॉप का नाम क्या है, शॉप का नाम क्या है आपकी, अच्छा रमेश चौरसिया टी पॉइंट सेक्टर 46 में, अगर आप आए तो जरूर ट्राई करें चौधरी के पास। ठूसने के बाद ब्लॉग एंड भी करना होता है ना, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो, गुड़गांव की बारिश और चौधरी का खाना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।